नागपुर शहर में हत्या के मामले जारी हैं। गुरुवार को पांच पावली थाना क्षेत्र में हुए हत्या के कुछ ही घंटों बाद कलमना थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है। पांच पावली थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह आपसी रंजिश के चलते गोल्डी शंभरकर नामक व्यक्ति की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस घटना से शहर उभर ही रहा था कि कलमना थाना क्षेत्र में एक शराबी को गाली गलौज करने को रोकने पर हत्या कर दी। मृतक का नाम मुरली किशन सुनकतरी बताया जा रहा है। वही आरोपी भारत राजू हिरवानी है। प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी के पिता और उसके भतीजे के बीच पारिवारिक झगड़ा चल रहा था, जिसकी जानकारी आरोपी के पिता ने आरोपी को फोन द्वारा दी। ये जानकारी मिलते ही भारत शराब पीकर आया और गाली गलौज करने लगा। उसे गाली गलौज कर देख पड़ोसी मृतक मुरली ने उसे समझाया और गाली गलौज करने से मना किया। मुरली के समझाने पर गुस्साए भारत ने मुरली पर ही चाकू से वार कर दिया। मुरली को परिवार के लोग तुरंत ही अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान मुरली की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी भारत राजू हिरवानी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।